शर्ट, क्या तुम मेरी बाल को मेरी तरह फेंक सकते हो? तुम गेंद नहीं फेंक पा रहे हो, ये बहुत आसान है। अच्छा, मुझ पे हंसने की बजाय तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए। ठीक है, चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। ए, बहुत अच्छे, मैं सबको बुला कर लाता हूँ, तुम यही रहना। अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें भी फुटबॉल सीखना है। नहीं, मुझे पहले से सब कुछ पता है, मैं रेफरी बनूंगी। ए, ये गेंद मुझे दो, मैं शुरू करूंगा। इतनी जल्दबाजी मत करो सैम, हमें भी खेलना है। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, सबको खेलने को मिलेगा। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। मुझे भी भागना होगा क्या? इसमें मजा आएगा मोटू, हम यहाँ बहुत मजे करेंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। बहुत बढ़िया, शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। यहाँ दो टोलियाँ होंगी, तुम गेंद को चाहे तो अपने सिर से या पैर से मार सकते हो। क्या चींटियों ने तुम पर हमला कर दिया है? नहीं बलू, मैं सबको फुटबॉल खेलना सिखा रहा हूँ। अभी ये अभ्यास कर रहे हैं, उसके बाद हम खेल शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, अब आप सब रुक सकते हैं। अब आप सब लोगों का अभ्यास खत्म हो गया, अब मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताऊंगा। आप लोगों को मैं बॉल फेंकूंगा और आप फिर उसे किक मारेंगे। सिम्बा, सुनो, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? बहुत बढ़िया दोस्तों। सिम्बा इधर इधर। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब सब लोग इस मैदान के चक्कर लगाओ। क्या कर रहे हो मोटू? ज्यादा नहीं भाग सकता, ये खेल मुझे परेशान कर रहा है। बकशॉट, क्या तुम्हारा सर किसी चीज से टकराया था? उसके ऊपर दो छोटे सींग आ गए हैं। रुको मत, सब लोग ऐसे ही चलते रहो। चलो एलेक्स के पास चलते हैं, उसके पास तुम्हारे सिर दर्द के लिए कुछ होगा। मैं उसे लेकर आती हूँ। इसका दूसरा पड़ाव थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे यकीन है कि अभ्यास के बाद आप लोगों को मजा आएगा। इस गेंद को अपने सर से फेंकना है, समझ गए आप लोग अच्छे से? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब। अच्छा था, लेकिन सीधे सर से मारना है। ये मेरी बारी थी। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। बकशॉट, एलेक्स आ रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। आहा।
मेरा सर फटने वाला है। एलेक्स से मजाक नहीं है। क्या चल रहा है? बग शॉट बड़ा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसके सींग आने वाले हैं। क्या उसके सींग? जिससे हम खेल सकते हैं। ये लगा लो बक्शो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। अभी तो सिर्फ छोटे छोटे उभार हैं, जब बड़े होगे तो तुम्हारे सींग लंबे हो जाएंगे। वाह! ओहो! यही तो कहा है एलेक्स ने। उसका मजाक उड़ाना बंद करो। वो सिम्बा का काम है। इसका मतलब उसका सिर दर्द कभी नहीं जाएगा। नहीं सिम्बा, पर जब तक सींग नहीं आ जाती तब तक तो दर्द होगा। चलो बच्चों, अब मेरे शहद खाने का वक्त हो गया है। और हमें भी अब वापस जाना होगा। अलविदा। मिलेंगे। अलविदा। शुक्रिया। अलविदा। क्या अब असली टीम बनाकर असली खेल शुरू करें? ठीक है, पर सर से नहीं मारेंगे। चलो मोटू, हम सबको दिखा देते हम कितना अच्छा खेलते हैं। क्यों, सही कहा ना? तो ठीक है, अब तुम ही लोग सोच लो कि तुमको किसके साथ खेलना है। अगर हम दोनों एक ही टीम में रहे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत जाओगे। तुम सिम्बा की टोली में खेलो, मैं दूसरों के साथ खेलूंगा, समझ गए ना? पर हम तो हमेशा एक ही टीम में खेलते हैं ना। अब क्या सबको समझाने की जरूरत है तुमको? मोटू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस नाटक कर रहा हूँ उनके साथ खेलने का। ठीक है, तो क्या सब लोग तैयार हैं? शुरू करें। सिम्बा इधर। बचाओ! धन्यवाद। वहाँ कुछ करने की कोशिश मत करो, मैं देख रही हूँ। ये ठीक नहीं है। मिल गई। ये सही नहीं है, वो कैच छुपा रहा है। वो छुपा रहा है, ये गलत बात है। रुको। सुनो, वहाँ सिम्बा और उसके दोस्त मैदान में खेल रहे हैं, हमें उससे उसकी गेंद लेनी है। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ सही कहा तुमने, हम शेर खान से गेंद के बदले सौदा कर सकते हैं। अरे मोटू, मेरी तरफ फेंको, मेरी तरफ। मजा आ रहा था।
मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। इससे अच्छा तुम कोई तरीका निकालो मेरी गेंद वापस लाने का। शांत हो जाओ, हम तुम्हारी गेंद वापस ले आएंगे। हाँ, पर कैसे? वो अभी मुझे नहीं पता। तुमने ये क्यों किया? मैं तुम्हें अपना खिलौना दिखाना चाहता था। बाकी तो तुम्हारे पास नई गेंद है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई ऐसी वैसी गेंद नहीं है, सिम्बा के खास दोस्त की गेंद है। अच्छा, और सिम्बा इसको ढूंढ रहा है। मुझे दे दो। हाँ बिल्कुल, पर मुझे क्या मिलेगा तबाकी? क्या? पर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शेर खान को पता चला कि उसके पैसों से मैंने खिलौना खरीद लिया तो मुझे मार डालेगा। तुम्हें ये चाहिए तो कीमत चुकाओ, या फिर मुझे इसे सिम्बा को वापस देना होगा। नहीं, मैं देखता हूँ क्या करना है। हुजूर, हुजूर। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ज्यादा नहीं हुजूर, बस एक अच्छा सेना मेरी मेहनत का। जल्दी बताओ क्या हुआ है। सुनिए हुजूर, मैंने एक बहुत ही आसान तरीका निकाला है सिम्बा को पकड़ने के लिए, सच बता रहा हूँ। तो पकड़ते क्यों नहीं? वो एक बात है, इंसानों के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। आगे बोलो। एक गेंद है हमारे पास हुजूर, और ये सिम्बा के दोस्तों की है, और मुझे यकीन है कि सिम्बा इसे लेने जरूर आएगा। क्या? तो तुम मुझे समझाने आए हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं चुप बैठना कब सीखूंगा? माफ कर दीजिए हुजूर, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। हम जरूर पकड़ेंगे उसे। ठीक है, मुझे वो गेंद चाहिए। हमें हमारा इनाम चाहिए, नहीं तो गेंद नहीं मिलेगी। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेर खान को ललकारने की? गेंद दो मुझे। तबाकी ने तो कहा आप कुछ भी दे सकते हैं। हुजूर, हमें उनको कुछ इनाम देना होगा, अगर हमने नहीं दिया तो जाकर गेंद सैम को दे देंगे। दे दो उन्हें जो चाहिए, और मुझे वो गेंद ला कर दो, जल्दी करो। काम बन गया है ना, समझ गए? ये लो, इसके बदले हमें केले दे दो। किस चीज के लिए रुके हो तुम लोग? मैं ये इनाम बाद में दूंगा। हमें वो गेंद चाहिए, शेर खान के पास है, और हम वो ताकत से भी नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करें? वो हमारी गेंद है। शेर खान ताकतवर है, पर हम भी होशियार हैं। हम उसे बेवकूफ बनाएंगे, यही एक तरीका है, और मेरे पास एक तरकीब भी है जो काम करेगी। हाँ, ये बहुत आसान होगा। वो हमारी तरफ क्यों देख रहा है ऐसे? सही कहा, तुम्हें सबसे बेहतर तरीके से गेंद संभालने हो। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, हम समुद्री लुटेरों को जान खतरे में डालना अच्छा लगता है। मोटू क्या कहते हो है? अगर पतलू साथ में है तो मैं भी हूँ। फिर मिलते हैं। ये सब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि वो भी तो एक बिल्ला ही है। हम लोग दोपहर बाद आएंगे। मैं उनके साथ जाता हूँ, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। सिम्बा ध्यान रखना, वहाँ बहुत खतरा है। फिक्र मत करो, मैंने सब सोच रखा है। मुझे यकीन है कि इसकी चाल कामयाब होगी। Oh.
वो सो रहा है, हमें ये जानना होगा कि गेंद उसके पास है या नहीं। मैं यही रुकता हूँ और तबाकी पे नजर रखता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। इधर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। चलो मोटू, तुम्हें उसकी पूंछ खींचनी होगी। सही कहा। पतलू, तुम उस वक्त जाकर गेंद ले लेना। शुरू हो जा। हमने कर दिखाया। चलो हमें मिल गई, आ जाओ चलो, हमने पकड़ ली, हमें मिल गई, मजा आ गया। वाह वाह, क्या बात है। देखो गेंद मिल गई।
क्या बात है, शेर खान तो बहुत दुखी होगा। तुम बहुत बहादुर हो जो उसके पीछे गए। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों की जितनी तारीफ करूं वो कम है। तुम लोगों को देखना चाहिए था उसकी क्या हालत हो गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे तुम लोगों को शुक्रिया बोलूं। ये गेंद बहुत मायने रखती है। ये अपनी गेंद को कितना प्यार करता है, हो सकता है इसके अंदर कोई खजाना हो। तुम सही थे सिम्बा, बुद्धि ज्यादा शक्तिशाली होती है, खासकर जब शेर खान सामने हो। एक बार फिर सिम्बा और उसके दोस्तों ने शेर खान को हरा दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सिम्बा किस तरह शक्ति और बुद्धि की परीक्षा देगा। देखना ना भूलें दोस्तों।